हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती रिगार्डिंग आज की न्यूज अपडेट के बारे में। चलिए जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, खुशखबरी का समय। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें यहाँ पर परीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ल जो कि उप सचिव हैं और ये भेजा गया निर्देशक शहरी विकास निदेशालय में, यहाँ पर जो पद निकाले गए थे यूकी पीएससी के द्वारा, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 15 जुलाई को अपडेट हुआ है। आप देख सकते हैं यूके पीएससी में जो अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में, तो जिनका भी ईओटीआई वाले में सिलेक्शन हो रखा है उनकी नियुक्ति पत्र दिया जाना है, कब दिया जाना है उसमें सारा डिटेल लिखा गया है। महोदय, कृपया जो है अवगत कराना है कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के 63 पद एवं कर राजस्व के 22 पद, टोटल मिलाकर आपका यहाँ पर जो 85 पद हैं उन पदों की भर्ती का है, 85 पदों पर। और कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कलमों से नियुक्ति पत्र दिए जाने हेतु मुख्य सेवक सदन माननीय उत्तराखंड के जो यहाँ पर मुख्यमंत्री कैंपस कार्यालय है देहरादून में, वहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग के जो चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अधिकारियों के साथ जो है यहाँ पर संयुक्त रूप से 22/7/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे का समय प्रदान किया गया है। तो जो उत्तराखंड लोक सेवा के उच्च शिक्षा विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर के अधिकार के साथ जो है उनके साथ संयुक्त रूप से उनको जो है नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जो ये यूकेपीएससी में जो अधिशासी अधिकारी और यहाँ पर कर एवं राजस्व निरीक्षक के पद हैं उनकी नियुक्ति दिया जाना है 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को बताया गया है और इस संबंध में मुझे ये कहने का आदेश हुआ है कि उक्त से अवगत होते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जो है समन्वय स्थापित कर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत और कर व राजस्व निरीक्षक के चयनित अभ्यर्थियों को जो है निर्धारित तिथि एवं स्थान पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में नियमानुसार जो है यथा प्रक्रिया अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। जो यहाँ पर देखते हैं 15 तारीख को, और ये ऑफिशियल साइन है, डिजिटल साइन भी रखें। आप देखते हैं ऑफिशियली जो है 22 तारीख को इनको बुलाया गया है, जो कि यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है, जो कि अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है।